नाजरीन, ये वो जो है जो चोरू का घर बना हुआ है। 4 बजे तो तकरीबन कोई 10-20 मिनट बंद कर दिया करानी हो जाती है, यानी कि सूरज पूरा नहीं डूबता है। जगह तो है इधर बनी हुई। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलमान अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। एक खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। हमारे इलाके में बदकिस्मती से चोरी चकारी वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है और ये जो रोड है डिंगा से मुगवाल जाता है, ये अब काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों को इस रोड पे लूटा गया। हमारे गांव के कारी साहब हैं जो कि जेलम डिप्टी करते हैं, वापस आ रहे थे शाम टाइम, उनको लूटा गया। उनसे 60,000 रुपये और 2 मोबाइल छीने गए और एक फेरी वाला डिंगा से गया उधर हमारे गांव में, जो वो जब वापस आ रहा था दिन दहाड़े 3-4 बजे, उस बेचारे को जो भी दिन भर की सेल थी उनसे ले ली गई, उसको लूटा गया। और एक खोजे का बंदा है उसको लूटा गया और एक जैज़ कैश का मैनेजर है जो लोड सप्लाई करता है वो पेमेंट लेकर आ रहा था, उसको लूटा गया। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लूटा गया। ये जो कुमाले वाला सैफल है ये अब बहुत ख़तरनाक हो चुका है, क्योंकि जो सैफल है वो तो बारिश हुई नहीं और उसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और गर्मी से। अब वो जो ऊपर पुल बना हुआ है, मेरे पास वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो जो पुल बना हुआ है पुल के नीचे काफ़ी सारी जगह है, वहाँ अगर बैठ जाते हैं छुप के और लोगों को लूटते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। नाजरीन, ये वो जो है जो चोरू का घर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये साइड पे दरख्त है और नीचे आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैफल है दरअसल, ये देखें, ये जनाब चोरों का घर है, आप देख सकते हैं। इधर रात को इधर जो चोर हैं वो बैठ जाते हैं, इधर बैठकर नीचे, ये ऊपर से आप देख सकते, ये सड़क जा रही है, ये डिंगा मुगवाल वाली सड़क है, ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर ये सड़क है और ये नीचे आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी जगह है, चाहे इधर लेट भी सकते हैं आप। और ये चोरों का घर है, ये देख सकते हैं, ये सैफल जिसे बोलते हैं, नाली सैफल जो भी बोलते हैं, ये आ रहा है। सर्दी में पानी होता है या बारिशों का पानी इधर आता है और गर्मी में इधर पानी नहीं होता, और इसलिए शाम को जब चोर इधर आकर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं और लूट मार करते हैं। अब सामने ऊपर से आपको दिखाते हैं इसका व्यू। जी ये देख सकते हैं, ये कमाले वाला सैफल जिसे बोलते हैं, ये मुगवाल रोड पे वाक़ा है, डिंगा और मुगवाल रोड पे वाक़ा है। ये आप देख सकते हैं साइड पे दरख्त भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें वो छुप के बैठ सकते हैं। तो कितने बजे जाते हो? चार बजे तो तकरीबन कोई 10-20 मिनट बंद कर दिया करानी हो जाती है, यानी कि सूरज पूरा नहीं डूबता है। तुसी चले जाते हो? हाँ, सूरज और लगी मारदा माड़ी दी असि घर हो गए। ठीक है, यानी कि शाम के टाइम दे वो तो बाद ही वाकया होया होना जिस टाइम वो आमने। जी नाजरीन देख सकते हैं आप, ये पुली का अंदर जो हिस्सा है वो भी आपको चेक करवाया है, जगह तो है इधर बनी हुई। जी नाजरीन आपने वीडियो देखी, आपने देखा कि ये किस तरह जो है चोरों का गढ़ बन चुका है और यहाँ तो काफ़ी सारे चोर आकर बैठ जाते हैं। बहरहाल मेरे अपने लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी एहतियात कीजिए, और अगर कोई पुलिस वाला डिंगा थाना का ये वीडियो देख रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वहाँ शाम टाइम जो है नाका लगाया करें। बहरहाल क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बाकी ये काम ठीक नहीं है। तो मुझे दें आप इजाज़त, ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।